दोस्तों कैसे हैं? आज 16 तारीख है और मैं आपके लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स और फ्यूचर पुट ऑप्शन के थ्रू पेपर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ डिटेल लेके आया हूँ। शेयर मार्केट शेयर्स लेके आया हूँ। आप इस पे कोई भी पोजिशन बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले। पहले नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें तो अच्छा लगेगा। जितने आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतने हमें अच्छा लगेगा। तो जो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, तुम मुझे सब्सक्राइबर दो मैं तुम्हें धन दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने तो कुछ और बोला था, मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये मैं अपने लिए बना लिया था कि तुम मुझे सब्सक्राइबर दो मैं तुम्हें धन दूंगा। सॉरी, खराब लगे तो आप लोगों को सॉरी, और अदरवाइज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। अब मैं आपके लिए यस बैंक के लिए कॉल, यस बैंक का एक कॉल लाया हूँ। आप यस बैंक में देखेंगे तो आज अच्छी खासी यस बैंक में 1400 रुपये की गिरावट मिली 7 पॉइंट का। ओपी भट्ट जी ने सीईओ से रिजाइन दे दिया तो अब ये शेयर भी गिर गया। कोई बात नहीं, गिरता नहीं तो हम जैसे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, हम खरीदते कब। इसका जो रेंज हो गया है 185, ये जाता है 180, 185 जाता है और वहाँ से 200 जाता है, 240 जाता है। अच्छा है, चलते रहे जब तक कि नए एमडी सीईओ का नहीं होता तब तक ऐसा चलते रहेगा। अच्छे खासे वॉल्यूम है, 8 करोड़ 81 लाख की वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग की आज हुई है, ट्रेडिंग भी है। और आप देखेंगे आज 16 तारीख को तो इसने लो बनाया 187.80 का और हाई था इसका 201 का। तो ओपन प्राइस 201, कल की क्लोजिंग थी 205 ही, और अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्या करना चाहिए? यस बैंक से दूर चले जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। आप इसको पोजिशनल कॉल तो बनाए ही बनाए और साथ में इसको आप डेरिवेटिव के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव में भी ऑप्शन बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो एक बार आज के इसके ट्रेडिंग व्यूज को देख लें तो आज 8 करोड़ 81 लाख 1871 वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। आज तक के एवरेज 3 करोड़ 4 करोड़ की वॉल्यूम होती थी, उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट होकर के ये ट्रेड कर रहा आज। और आप देखेंगे तो एक ब्लॉक डील हुआ है इसमें, 5 बजे यहाँ पे हुआ है, 5 करोड़ की वॉल्यूम की, मैंने 2 करोड़ 79 लाख शेयर की प्लाई 196 पे बाइंग हुई है। और न्यूज है ओपी भट्ट रिजाइन फ्रॉम यस बैंक सीईओ, आज का न्यूज है 8 बजे की, ये न्यूज दिया गया था। न्यूज 8 बजे इसलिए दिया गया था कि मार्केट गिरे, लोग बाय करें, और कोई रीजन नहीं था। सेंटीमेंट पॉजिटिव है इस बैंक में, अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आया रिजाइन के अलावा। अगर कोई बैड न्यूज आता है तो देखेंगे, अभी तो बाइंग कर लेते हैं। तो आप बाय का पोजिशन इसमें बना के कंटिन्यू रह सकते हैं, और अगर चाहें तो आज की जैसे क्लोजिंग 191 रुपये की है तो आपको मैं एक इसकी ट्रेडिंग कॉल देता हूँ, पोजिशनल कॉल डेरिवेटिव में बताता हूँ। अगर आप इसको डेरिवेटिव में, आप देखिए 192.50 फ्यूचर में बंद हुआ है, तो आप 16 नवंबर का देखेंगे तो आपको एक दिसंबर का कॉल लेना है। क्या करना है आपको? दिसंबर का एक कॉल लेना है, और दिसंबर का जो कॉल लेना है वो आपको 192, आपको किसका लेना है तो आपको 80 एट द मनी लेना है। 192 है तो 190 का आप लें, अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको लगता है तो 195 का लें, और भी कॉस्टली लगता है तो 200 का लें, उससे ज़्यादा कॉस्टली लगता है तो 205 का लें, उससे ज़्यादा कॉस्टली लगता है तो 210 का लें। वैल्यू सबके दिखी हुई, आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ऑलरेडी वैल्यू दिखा दी गई है कि कितनी कितनी वैल्यू है यहाँ पे, तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे सबकी वैल्यू है। अगर आप 190 का लेते हैं तो आपको 23 रुपये में मिलेगा, 200 का मिलेगा 18 रुपये 90 पैसे में, 205 का 15 रुपये में, और 210 का 80 रुपये में। तो मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ, सपोज ये दिसंबर का, 27 दिसंबर का है, क्योंकि अभी यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शन बचा नहीं, 6 या 12 डेज मिलेंगे आपको, तो एक्सपायरी कर जाएगा 29 दिसंबर का, 29 नवंबर का। तो आपको 27 दिसंबर का कॉल लेना है, 200 का लीजिए, 205 का लीजिए, 210 का लीजिए, आपको जैसी इच्छा है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, 205 पे एक बार बात करते हैं कि 205 का अगर कॉल ले लिया तो क्या होगा। तो 205 का कॉल आपको 15 रुपये 55 पैसे पे मिल रहा है, और अगर आप 15 रुपये 55 पैसे पे लेते हैं तो 1750 का लॉट है, यस बैंक का कॉल है दिसंबर का। और अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 26,250 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है आपका, और एक्सपेक्टेड है ये मिनिमम 40 रुपये देगा, तो ये 70,000 रुपये का वैल्यू देगा। मीन्स गेन आपको एक लॉट पे 43 से 50 हज़ार रुपये का होने वाला है। तो यस बैंक का कॉल अगर आप लेते हैं, यस बैंक के स्ट्राइक प्राइस 205 का लेते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या है इसका, स्ट्राइक प्राइस जो है वो है 205। तो 205 के स्ट्राइक प्राइस का अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे
बहुत ही फायदेमंद चीज़ मिलेगी और आपको स्टॉक प्राइस 205, ठीक है, 15 रुपये मिल जाएगा आपको, 15-16 रुपये भी ले लीजिए अगर मिलता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी 28,000 का इन्वेस्टमेंट है और गेन होने को 42,000 का है। तो आप इस लॉट में पेपर ट्रेडिंग करें और आप इसको एक बार 15 या 16 जो भी आपको जैसा लगे वैसे याद रखें, और आप एक लॉट इसका ले लें फ्यूचर के लिए, दिसंबर का है, फिर से बोल रहा हूँ ये दिसंबर का स्ट्राइक प्राइस है 205 का है, आप इसे पोजीशन बनाएं, 26,250 रुपये लगेगा, 26 से 28,000 रुपये के बीच में इन्वेस्टमेंट है, बिलो 30 है और जाने को ये ₹1,00,000 से भी ऊपर जा सकता है, ये तो मैंने आपको 40 दिखाया, ये 50 भी हो सकता है, तो ये 50 छोड़िए 55 भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी गेन आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं अगर 40 के लिए भी यहाँ पे पकड़ता हूँ तो आपको 43 से 45,000 का फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो यस बैंक के कॉल को आप पेपर ट्रेडिंग करें अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, दिसंबर के पेपर ट्रेडिंग करें, और अगर एक बार इसके पुट कॉल के ऑप्शन को देखें तो मार्केट में हो क्या रहा है, तो आप देखेंगे 25 लाख कॉल की तरफ है और 12 लाख आपके पुट की तरफ है, मतलब कॉल की और ज़्यादा ही चांसेस है। और सबसे ज़्यादा पोजिशन कहाँ पर बन रही है तो आप देखेंगे 210 पे बन रहा है 1,15,000 का, और सबसे ज़्यादा एडिशन 200 पे हो रहा है, 8,10,000 शेयर का एडिशन हुआ है, 9 लाख का अभी ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। अब पुट की और कहीं पे भी देखेंगे तो हाईएस्ट आपका 160 का है, मीन्स सपोर्ट आपको जो मिल रहा है आपको 160 का सपोर्ट है, रेसिस्टेंस आपको जो मिलने को है वो आपको 200 से मिलेगा, 210 मिलेगा, तो मैं 200 और 210 के बीच में 205 ले रहा हूँ, 200 का लूंगा तो मेरे लिए भी फायदेमंद है लेकिन आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो मैं तो बोलता हूँ आप एट द मनी 190 का लें तो और अच्छी बात है, चलिए आपको जो लगे वैसा लीजिए, आप तो 200 पे लीजिए या 205 का लीजिए जैसा आपको फेवर लगे वैसा लीजिए, या 210 का लीजिए, आप 210 का भी ले सकते हैं जो 1480 में मिल रहा है, आप इसको 1400 रुपये पे भी ले सकते हैं, 280 का 24,500, ये भी आप मान के चले कि 3500 रुपये तक तो देगा, तो ये भी आपको अच्छे खासे यहाँ से अगर 200 अगर 205 की जगह पे आप इसको 210 का करते हैं तो ठीक है, तो ये स्टेटस रहेगा आपका, तो भी आपको 36-37,000 मिलेगा एक लॉट में, तो आप बना सकते हैं पोजीशन। और जो कॉल पुट से भी समझ में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है कि इसका जो सपोर्ट है वो 160 के अराउंड है, वो टूटेगा नहीं, और उसके बाद आप देखें तो मेरे अंदाज से तो ये अब नीचे इसको जाना ही मुश्किल है, फिर भी 160 का सपोर्ट है, तो 160 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाइंग पोजीशन पे आप आराम से इसको खड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, और ये आपको हो सकता है 230 240 तक का भाव आपको आगे आने वाले दिनों में दिखा सकता है, वो कभी भी दिखा सकता है, और अगर MDCO का फाइनल हो गया तो उससे भी ज़्यादा रेट आपको देखने को मिल सकता है। ये तो हुआ यस बैंक। इसके अलावा भी मैं एक शेयर लेके आया हूँ आपके पास, आदित्य बिड़ला कैपिटल, AB कैपिटल, ठीक है, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, ये आज की क्लोजिंग 113 रुपये पे दिया है, और अगर आज देखें तो ये ओपन इसका 52 वीक लो है 90 और हाई है 208। आप सेंटीमेंट तो देखें 80% बाइंग सिग्नल है, और इसने देखिए AB कैपिटल क्लोज 30 डेज का मूविंग एवरेज 104 का क्लोज करके और 113 पे क्लोजिंग दिया है, अब ये 50 डेज के मूविंग एवरेज की ओर बढ़ रहा है, तो आप इसको पोजिशन कॉल बना के बैठ सकते हैं और 150 का टारगेट ले सकते हैं। आप चाहें मत देखिए आदित्य बिड़ला कैपिटल टारगेट 145 मोतीलाल ओसवाल, 12 नवंबर को मोतीलाल ओसवाल ने इस पे रिकमेंडेशन बाय का दिया है, तो मत आपको बड़े बड़े देखिए मैं कहता हूँ तो छोटा आदमी तो चलो मोतीलाल तो बोले हैं बाय तो कर सकते हैं, और उससे अच्छा चीज़ आपको बताऊँ बाय सेंटीमेंट तो है ही है, आप देखेंगे और भी चीज़ देखेंगे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक बार मैं आपको एक बार पहले इसको चार्ट पे दिखाते हैं, चार्ट पे कैसे ये वॉल्यूम बनाया था, वॉल्यूम वेटेड एवरेज से कैसे अपर क्लोजिंग दिया है जो मैं आपको समझाता हूँ। अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज करें तो 112 रुपये के आसपास आता है, 112 रुपये 79 पैसा, और ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, उससे भी ऊपर दे रहा है, मीन्स जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मांगा जा रहा है उससे ऊपर बढ़ के भी ये प्राइस दे रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो फाइनेंशियल में देखेंगे आप इसकी तो सॉलिड फाइनेंशियल इसने अपने जनरेट किया है, इसके कारण इसकी वैल्यू थोड़ी अपवर्ड ले रही है, और जो वैल्यू आप देख रहे ट्रेमेंडस मतलब के बहुत ही अच्छा जो इसने
10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ के आसपास दिसंबर 17 को छोड़ दे एक्सेप्शनल को, तो वापस आप दिसंबर 17 को ये गेन करने की ओर जा रहा है। और आप देखिए लास्ट को सितंबर 17 के कंपैरिजन में सितंबर 18 देख लीजिए या जून 18 के कंपैरिजन में देखिए, तो 14 से 12 करोड़ के एवरेज में 81 करोड़ का ऑपरेशन गेन दिया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। और अल्टीमेट प्रॉफिट कहें तो जहाँ 4 करोड़ 12 करोड़ माइनस 3 करोड़ माइनस था, वहाँ 64 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। जहाँ ईपीएस देखेंगे माइनस हो गया था, वहाँ पे ईपीएस प्लस में आ चुका है और वो भी 0.21 से। तो अब इसमें एक बाइंग पोजीशन बन रही है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यही नहीं इसके अलावा बताता हूँ, आदित्य बिड़ला कैपिटल में देखेंगे आप तो आप इसकी कोई भी चीज़ देख लें, आप देखिए यहाँ चाहे वर्टेक्स देख लीजिए, चाहे स्टॉकिस देख लीजिए, एमएसडी देखिए, तो कोई भी इंडिकेटर देख लीजिए, लीडिंग हो लैगिंग इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर हो, यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे रहा है और बाइंग सिग्नल तो दे ही रहा है। साथ में आप अगर देखें तो ये अब आगे जो कि आपको 100 यहाँ पे जो क्लोज, ये देखिए अपसाइड देखिए, बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। और अब जो पैटर्न बन रहा है इसके अनुसार जो 113 पे क्लोज दिया है, अब ये इसके बाद 122, उसके बाद है 139 और 151, ये इसके पास रेसिस्टेंस है। यहाँ क्रॉस करते हुए ये ऊपर की ओर जाएगा, 122, 139 और फिर 151, जहाँ से ये फॉल डाउन किया था। तो वापस ये गेन आपको 151 की ओर गेन करते मिलेगा, ये बहुत बड़ा है। 52 आप देखिए ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये इसकी जो 52 वीक लो थी वो 90 रुपये पे था, 90 रुपये से ऑलरेडी ये बहुत अच्छा आ चुका है और 208 से फॉल डाउन है। मोतीलाल ओसवाल जी ने इसको बाय का रिकमेंडेशन किया 145 टारगेट के लिए, आपको असिस्टेंस लेवल बता ही दिया आपको वहाँ पे कि यहाँ से जो अब बाय चल रहा है तो इसको यहाँ पे 210 के आसपास, सॉरी 210 नहीं, यहाँ पे आपको बताया कि ये अब आपको यहाँ से 122, उसके बाद फिर 139 और 150, 122, 139, 150 रेसिस्टेंस लेवल है ऊपर की ओर, और 107 का जो है इसका सपोर्ट है, 107 रुपये 70 पैसे का सपोर्ट है और उसके ऊपर ये जा रहा है। तो आप स्टॉप लॉस 107.70 का लगा के इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदित्य बिड़ला कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा एक मैं रिस्क ले रहा हूँ जो कोई नहीं ले रहा होगा, सब मार्केट में क्रूड बढ़ने की बात कर रहे हैं, बट मैं एक पैटर्न बनाया हूँ जिससे मुझे लगता है क्रूड ऊपर की ओर 71.43 से ऊपर नहीं जाएगा और ये वापस आपको 61.19 दिखाएगा। ये मैं इसके हाई लेवल से पैटर्न ड्रॉ किया हूँ और जब फिबोनाची रिप्लेसमेंट जो होता है उससे अगर देखो रिट्रेसमेंट जो आता है फिबोनाची रिप्लेसमेंट, उसके आधार पर अगर मैं बताऊँ तो ये वापस अपना 71.43 से ऊपर नहीं जा सकता है क्रूड, और वापस ये 61.119 को, मतलब 61 जो मैंने आपको 62 का बोला था, आप हर निफ्टी व्यू में देख लीजिए, मैंने 62 आपको बताया है, वो इसको टच करने का पूरा दम रखता है। तो ये वापस जो मैं आपको बताया था 62, वो जाएगा और वापस जाएगा और ये 71.43 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि इसको 71.43 अच्छा रेसिस्टेंस है और ये वापस नीचे की ओर आपको 71.19 देखने को मिलेगा। तो 71.43 पे अच्छा सपोर्ट है और इसको 61.19 पे रेसिस्टेंस है, तो नीचे की ओर जाएगा। अब सपोर्ट इसका 71.43 है ही, उसके ऊपर जाता है 71.43 का स्टॉप लॉस लगा करके, फिर ये ऊपर की ओर जा सकता है, एक बार फिर 82 भी दिखा सकता है, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए ऊपर जाना है, लेकिन 71.43, 71.50 का आप स्टॉप लॉस लगा के नीचे की ओर आप इसको सेल पोजीशन बना सकते हैं, 62 तक जा सकता है। ये क्रूड पे था, और एक शेयर था आपके लिए, आदित्य बिड़ला हो गया, यस बैंक हो गया, एवर रेडी हो गया, एवर रेडी हुआ हो गया, मेरे अंदाज से हो गया, तो अभी ये इंडियन होटल भी था, आप चाहें तो इंडियन होटल में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एवर रेडी आपको बताया नहीं बताया, एवर रेडी शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया तो वापस बता देता हूँ, एवर रेडी 203 पोजीशन पे क्लोज दे रहा है, 203 की क्लोजिंग, और ये बाई पोजीशन है, इस पर बाई पोजीशन बने, अच्छी खासी डिलीवरी पैटर्न इसमें जनरेट हो रही है, 29% के आसपास जनरेट है। और आप देखेंगे ये अच्छा, ये भी अच्छा खासा, ये 464 से गिर के आया हुआ है और 30 दिन का ये मूविंग एवरेज क्रॉस किया अभी एवर रेडी। अब ये देखिए एवर रेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये ड्राई सेल्स बिजनेस में है, बैटरी के बिजनेस में है, ठीक है। तो आपको आज की क्लोजिंग है 203, आज का जो डेट है आप यहाँ पे देख लीजिए, डेट भी आज का जो है 16 नवंबर, ठीक है, 3/58 16 नवंबर की क्लोजिंग है, और ये यहाँ से वापस अच्छा खासा आपको यहाँ से ऊपर 250 तक, उससे भी ऊपर जाने को दम, इसके ऊपर जाने को दम रखता है। और अगर मैं बताऊँ तो इसको 210 के बाद सीधा 232 की ओर जा सकता है,
और आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बहुत छोटा है, 201 का स्टॉप लॉस है, 200 का स्टॉप लॉस है। 200 के स्टॉप लॉस से आप इसको, 200 के स्टॉप लॉस से आप इसको वापस रख सकते हैं कि अगर 200 के नीचे जाता तो ठीक है प्रॉब्लम है, बट अभी जाएगा नहीं। बट मैं इसको पोजिशनल कॉल इसको जरूर बाय करने के लिए बोलूँगा, आप इसमें इंट्राडे नहीं करें, इसमें पोजिशनल कॉल बाय करें। ये देखिए सेंटीमेंट 100% बाय है। और अच्छा बात, अच्छी बात बताऊँ आपको, इस पर डिलीवरी परसेंटेज देखिए मोर देन 45 से है, ये अच्छी बात है। और एक बार इसके अगर खुद देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब सितंबर 18 में देखिए जहाँ 44.05 था 44.35 है, और अच्छे खाचे DSP कोटेक ये बड़े बड़े टेम्पलेशन फ्रेंकलिन फंड, तो बड़े बड़े फंड हाउस इसमें पोजिशन बना के बैठे हैं। और जब आप समझिए इस तरह की इंडस्ट्री जब आपको पूरे बैटरी ओरिएंटेड गाड़ी चलेगी, ये एवरेडी ये बैटरी और सप्लाई जो करती है अच्छे खासे बिजनेस हाउस को सप्लाई करती है, तो यहाँ से आपको इससे डबल का भी फायदा देखने को हो सकता है, 400-450 तो ये आराम से टच करेगा। तो आप यहाँ से 100% रिटर्न 2 साल के अंदर मान के चल सकते हैं अगर पोजिशनल बेसिस पे बाय है। अगर टाइम टर्म टेम्प्रेरी बाय भी करना चाहते हैं तो टेम्प्रेरी बाय कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आपको सिग्नल दिखाऊँ, CCI सिग्नल देखूँ, ये भी बाय का सिग्नल जनरेट है एवरेडी पे। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सारे बेरिश फॉर्म को क्रॉस करते हुए, ये जो टोटल फॉल था सारे को क्रॉस करते हुए इनगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है, और इसने सारे पुराने लॉसेस को ख़त्म कर दिया। ये देखिए इनगल्फ कितना बड़ा लंबा पैटर्न बनाया हुआ, तो इसको बढ़ाते हुए तो आप ये आगे की ओर 215, 232 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो आप 250 के लिए, 242 के लिए टारगेट के साथ आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये 400 का कैंडिडेट है, जैसा आपको लगे वैसा होल्ड कर सकते हैं। दो साल होल्ड कर सकते हैं तो आपको 350-400 भी यहाँ से ये दिखा सकता है। तो ये एवरेडी पे पोजीशन था, तो टोटल हो गए आज के लिए इतना ही। और आप चाहें आपको कोई भी पोजीशन अगर मार्केट में बनानी है तो जैसे मैं शुरुआत में ही बता दिया कि आप पेपर ट्रेडिंग करें, एजुकेशनल पर्पज से सारे वीडियो हम देते हैं। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज 16 नवंबर था और आगे हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। मैं डेट इसलिए बता देता हूँ कि कल के डेट में आप लॉन्ग टर्म में जाकर के अगर मान लीजिए आज से 3 महीने बाद ये वीडियो देखेंगे तो डेट नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं हर समय डेट बताता हूँ। तो आज इसलिए उसका कारण सिर्फ यही है कि किस डेट को वीडियो आपको रिलीज किया था। तो आज 16 नवंबर है, इस जस्ट आपके नॉलेज के लिए। और सब्सक्राइब करें बटन, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। जैसे बिगनिंग में बताया वापस बता रहा हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तुम मुझे सब्सक्राइबर दो, मैं तुम्हें धन दूंगा। धन्यवाद।